नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निरोगम में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। फास्ट फूड के इस ज़माने में खुद को स्वस्थ रख पाना बेहद मुश्किल हो गया है, लेकिन असंभव नहीं है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी असंभव बीमारियों को भी ठीक करने का हर संभव प्रयास किया जाता है, और इसमें हम सानिध्य प्राप्त करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लेकर। क्या होती है ये बीमारी, क्यों किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाती है, लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से आयुर्वेद में इसका संपूर्ण समाधान है, इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है क्या, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी का डिजीज़ है जो आज के युग में स्पेशली बच्चों में बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। देखिए, हमारी किडनी, भगवान ने हमें एक ऐसा ऑर्गन दिया है कि शरीर के लिए जो लाभकारी तत्व हैं उनको वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाने दे, वहीं शरीर के लिए जो हार्मफुल चीज़ें हैं उन्हें वो बॉडी से बाहर भेजे। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में क्या रहता है कि हमारी किडनी का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो छननियाँ हैं, वो सूजने के कारण, स्वेलिंग के कारण साइज़ में बड़ी हो जाती हैं। इसी कारण से वो प्रोटीन्स जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी हैं और जिनको यूरिन में बाहर नहीं जाना चाहिए, शरीर में ही रहना चाहिए, वो प्रोटीन यूरिन के थ्रू लीक करने लग जाते हैं, जिस कारण से एक तरफ प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। अगर टेस्ट करवाया जाए तो एल्ब्यूमिन लेवल 1+, 2+, 3+, 4+, इस प्रकार डिपेंडिंग कि किस लेवल का प्रोटीन लीकेज हो रहा है वो देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉडी में, क्योंकि प्रोटीन बाहर जाते चले जा रहे हैं, हाइपोप्रोटीनीमिया देखने को मिलता है, जिससे शरीर में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादा करके बच्चों में होती है। बच्चे जिन्हें कि अभी शारीरिक विकास करना है, बढ़ना है, उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के कारण उनका विकास थम सा जाता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, जब बच्चों की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। जब बच्चों की बात आती है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बढ़ने की उम्र है, तो हम उनको उस तरह की औषधियाँ दें कि उनके शरीर के जो अन्य अंग हैं उन पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े और उनका जो रोग है वो भी जड़ से समाप्त हो जाए, और वो केवल आयुर्वेद में ही संभव है। आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने बच्चों के रोगों को दूर कर पाते हैं, उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ा पाते हैं, और शरीर पर उनके जो अन्य अंग होते हैं उस पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम आपको हर बार कहते हैं कि आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है आयुर्वेद, जिसके माध्यम से ये संस्थान आपके रोगों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो आप जुड़ सकते हैं संस्थान के साथ, टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके पीछे के कारण को भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों का जब बात आती है तो पेरेंट्स जो होते हैं वो हर संभव प्रयास करते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स है ये दूर हो जाए, और आयुर्वेद के अंदर ही सही समाधान मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए मिल पाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जब हम बात कर रहे हैं तो एलोपैथिकली उसका कोई भी क्लियर कट रीज़न आज तक नहीं पता चल पाया है। एलोपैथी में ये माना जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें इम्यून सिस्टम ही कहीं ना कहीं पे हमारी किडनी के अगेंस्ट एक्टिव हो गया है, क्योंकि कोई बहुत क्लियर कट रीज़न का नहीं पता है। इसी कारण से जो इलाज भी है एलोपैथिक मेडिकल साइंस में, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। जनरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं एक बच्चे को जब उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाती है। ग्रोइंग एज में जब एक बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं पे उसके हॉर्मोन्स को वो इम्बैलेंस करते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ग्रोथ के अंदर। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की, हाँ डेफिनेटली जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किसी बच्चे को दिए जाते हैं तो टेम्परेरी बेसिस पर उसका प्रोटीन लीकेज घटने लगता है, लेकिन जब इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की डोजेज दोबारा से एलोपैथी में कम की जाती है तो रीबाउंड प्रोटीन लीकेज होता है। तो ये अगर आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में ये रोग पित्त की अधिकता से होने वाला रोग माना गया है। ये माना जाता है कि अधिक बढ़े हुए पित्त के कारण हमारे जो वृक्क हैं, जो किडनीज हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है। इसीलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो पित्त का नियामक चिकित्सा करते हैं, वो मेडिसिन दी जाती हैं जो कूलिंग इन नेचर होती हैं, हमारी वृक्कों में बढ़े हुए एक्सेसिव पित्त को कंट्रोल करके इमीडिएटली प्रोटीन लीकेज को वो अरेस्ट करती हैं। इसीलिए अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा
जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन लीकेज के साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आता है, हम उसका सबसे पहला टेस्ट करवाते हैं 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एक्सक्रीशन, अर्थात वो टेस्ट जो हमें बता पाए कि इस समय 24 घंटे में यूरिन के रास्ते से इस बच्चे की किडनीज कितना प्रोटीन बाहर लीक कर रही हैं। वहीं जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो इमीडिएटली, क्योंकि वो पित्त कंट्रोल होती है, जनरली 3rd-4th डे ऑनवर्ड्स ही वो प्रोटीन लीकेज घटने लगता है, वह भी बिना किसी नुकसान के, तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ समीर जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत स्वागत है आपका, बताएं अपनी प्रॉब्लम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार समीर जी। सर मेरी ना बच्चा है कृषि, उसका 5 साल उम्र है जी। और 2 साल से लगभग उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी प्रोटीन जो है वो जा रहा है, एल्ब्यूमिन तो 3+ है, तो जब दवाइयां खा रहे हैं कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, बच्चे की ग्रोथ में भी फर्क आ रहा है और बच्चे का बॉडी में बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो आयुर्वेद में कुछ ऐसा संभव हो सकता है कि ये पूरी तरह से मतलब बंद हो जाए प्रोटीन? जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि जब एक बच्चे के केस में लगातार आप स्टीरॉयड चला रहे होंगे तो एक फादर होने के नाते कहीं ना कहीं पे अंदर से विचलित भी होंगे, दुखी भी होंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं पे फील कर पा रहे होंगे कि नहीं, मैं अपने बच्चे को इस रोग से उबार पाऊँ। तो आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आश्वस्त रह सकते हैं, आयुर्वेद में पैतिक प्रमेह के अंतर्गत आपके बच्चे के डिजीज़ का वर्णन आता है और बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। जब हम उसके केस में मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, आज अगर आप जैसे बता रहे हैं कि आप उसे स्टीरॉयड्स दे रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, जनरली ओमनाकोटेल, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेफ्लोसाकॉट, विभिन्न विभिन्न प्रकार के नामों से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जो कि अदरवाइज अगर हम बात करें तो अलग अलग डेवलप्ड स्टीरॉयड्स हैं और इम्प्रूवमेंट दे रहे होंगे आपके बच्चे को, लेकिन लगातार उनकी डिपेंडेंस इस रोग का पूरा उपचार नहीं है। जब हम आपके बच्चे का इलाज शुरू करेंगे तो हम जो स्टीरॉयड्स आप अभी अपने बच्चे को दे रहे हैं उन्हें इमीडिएटली विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी की उन पर डिपेंडेंस बनी होती है। हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और जो स्टीरॉयड्स बच्चे को दिए जा रहे हैं उसकी टेपरिंग डाउन स्टार्ट करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली उन स्टीरॉयड्स की यूजेज को कम किया जाएगा और फिर एक दिन उन्हें विड्रॉ कर दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होगा उसको टेपर डाउन करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बच्चा पूर्ण स्वस्थ होकर के बिल्कुल निरोगी जिंदगी जी पाएगा। तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से आपके बच्चे का पूर्ण उपचार संभव है। आप केवल जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, जो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हमें फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमारा एक्सपर्ट पैनल डिस्कस कर सके और आपके बच्चे के केस में क्या डोजेज जाएगी प्रॉपर मेडिकेशंस की, उसके साथ आपको बताया जा सके। जी बिल्कुल दर्शकों, तो अगर पूर्ण समाधान आप चाहते हैं, स्थायी समाधान आप चाहते हैं, तो संस्थान के साथ आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से अल्पविराम के लिए, जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है निरोगम में। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने हमारे लास्ट कॉलर को बताया कि पूर्ण समाधान संभव है, तो आपका जो संस्थान है वो किस तरह से पूर्ण समाधान इस तरह के केसेस में देता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बिल्कुल पूर्ण समाधान संभव है, एक बच्चे के केस में और एक एडल्ट के केस में भी। हमारी मेडिसिन के साथ हम दो प्रकार से इलाज करते हैं, एक इमीडिएट मैनेजमेंट, देखिए
एक बच्चा प्रोटीन लीकेज हो रहा है या बड़ा जिसका प्रोटीन लीकेज हो रहा है यूरिन में, आज अगर हम उसे ये बोल दें कि हम आपके रोग का इलाज करेंगे, लेकिन वो उस प्रोटीन लीकेज में कोई कमी नहीं देख पाए, तो उस इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम मैनेजमेंट भी करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, ताकि इमीडिएटली प्रोटीन लीकेज में रिडक्शन देखी जा सके। वहीं अगर हम पक्के तौर पर रोग को दूर नहीं कर सकें, तो हमारे इलाज में और जो एलोपैथिक इलाज में उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए उस रोग को पक्के तौर पर ठीक करने के लिए हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि इम्यून सिस्टम में कुछ मॉड्यूलेशन करें और वो इम्यून सिस्टम की जो एक्टिविटी है हमारे किडनी के ऊपर, वो एक्टिविटी घट सके। यही कारण है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, रिडक्शन इन प्रोटीन लीकेज भी देखने को मिलता है, वहीं परमानेंट रिकवरी भी पेशेंट को मिलती चली जाती है और अल्टीमेटली हमारी मेडिसिन जो है विड्रॉ कर ली जाती हैं। केवल जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे से बदलाव हैं, खान पान में कुछ बदलाव हैं, अर्थात पित्त को बढ़ाने वाला जो मील है वो हम थोड़ा अवॉइड करवाते हैं, चर परे पदार्थ, मसाले, बहुत तीखी चीज़ें, ये अवॉइड करवाई जाती हैं, लाइफस्टाइल में चेंज करवाई जाती हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है, क्योंकि बच्चे हैं, अब अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चे किस प्रकार से आयुर्वेद का सेवन करेंगे, तो क्योंकि हम बच्चों का इलाज कर रहे हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि जो मेडिसिंस हों वो कड़वी नहीं हों, मात्रा में बहुत अधिक ना हो, बच्चे उनका आराम से सेवन कर सकें। वहीं अगर एक एडल्ट है तो उसके केस में टैबलेट्स, कैप्सूल्स फॉर्म में मेडिसिंस उन्हें दी जाती हैं, काढ़े, चूर्ण इत्यादि जो लेने में कंपैरेटिवली टफ हैं, उनका सेवन नहीं करवाया जाता है। बिल्कुल दर्शकों, तो संस्थान आपकी सहूलियत का हर तरीके से ध्यान रख रहा है कि भाई बच्चे हैं तो किस तरह से औषधियां उनको देनी चाहिए जिससे कि वो आराम से ले भी लें और उनके रोगों का उपचार भी हो जाए। तो हर तरह की जिम्मेदारी संस्थान अपनी तरफ से निभा रहा है। आप भी जुड़ सकते हैं संस्थान के साथ, टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ को बरकरार रखता है और जो रोगी होता है उसके रोगों को दूर करता है। तो आप जुड़ सकते हैं आयुर्वेद के साथ, जहां पर आपको आपकी प्रॉब्लम्स का, आपके रोगों का सही समाधान आपको मिलता है। डॉक्टर साहब, अब इसके लक्षणों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में तो बच्चों के केसेस में पता ही नहीं लग पाता है। जनरली लक्षणों के बारे में जानना वाकई में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका बच्चा रूटीन में थकावट की कंप्लेन आपको कर रहा है, लेग्स उसकी थक रही हैं निरंतर, आप अगर हल्की फुल्की स्वेलिंग उसकी आईज के अंडर देखते हैं, बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा फीवर रह रहा है, भूख कम लग रही है, अब देखिए ये सारे कॉमन लक्षण हैं। कुछ देर के लिए किसी स्टेज पे सब बच्चों में ऐसा कोई ना कोई लक्षण पाया जा सकता है, लेकिन अगर रेगुलरली ये लक्षण बच्चे में रह रहे हैं तो जरूर उसका यूरिनरी टेस्ट करवाइए, उसे यूरिन कंप्लीट के नाम से जाना जाता है, और देखिए किसी प्रकार का एल्ब्यूमिन लीकेज उसमें हो तो नहीं रहा है। तो ये कॉमन लक्षण को बच्चों के केस में कभी इग्नोर नहीं कीजिए। जी डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ नम्रता जी जुड़ चुकी हैं शिलांग से। जी आपका स्वागत है, बताएं अपनी प्रॉब्लम। गुड आफ्टरनून मैम, मैं नम्रता बात कर रही हूँ शिलांग से। जी मेरा 6 इयर्स का बेटा है, उसे प्रॉब्लम आ रही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है जी। और उसका यूरिन में फोम आ रहा है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, तो आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज है? नम्रता जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, देखिए जो यूरिन में आपके फॉर्म आप बच्चे की देख पा रहे हैं वो एल्ब्यूमिन के लीकेज के कारण है, जिसका कारण है उसकी किडनी के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन का इन्फ्लेम्ड होना। तो आयुर्वेद में जब हम आपके बच्चे को कूलिंग हर्ब्स का सेवन करवाएंगे, उन कूलिंग हर्ब्स के माध्यम से और इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन के माध्यम से आप देख पाएंगी कि अदरवाइज भी आप बच्चे के यूरिन में फॉर्म कम देखेंगी और टेस्ट के अंदर भी आप देखेंगे कि जो उसका यूरिनरी प्रोटीन लीकेज है वो घट रहा है, तो आपका बच्चा आयुर्वेद के माध्यम से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो सकता है। आप कृपया करके अपने बच्चे की जो रिपोर्ट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो हमें फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हमारा एक्सपर्ट पैनल आपको इस बारे में सही जानकारी दे सके। और जब तक हमारे एंड से ट्रीटमेंट आपके पास पूरी तरह से नहीं आता, तब तक अपने बच्चे को पेठे का सेवन करवाना शुरू कीजिए। पेठा मिठाई के फॉर्म में आमतौर पर मार्केट में मिल जाता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट्स में बहुत लाभ पहुंचाता है, तो पेठे का सेवन बच्चे को जरूर कराइए। जी
बिल्कुल दर्शकों, बच्चों की केसेस के अंदर सही जानकारी का होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों की बढ़ने की उम्र में अगर वो किसी रोग के शिकार हो जाते हैं तो ये बेहद गंभीर अवस्था होती है। तो आप जुड़ सकते हैं संस्थान के साथ, टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं, जहां पर न सिर्फ आपको सही जानकारी, सटीक उपचार मिलता है, बल्कि आपको बताया जाता है कि ये आपके रोगों के कारण है और इन औषधियों का सेवन करने से आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। तो आप संस्थान से जुड़ सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त हो गया है दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम जानना चाहेंगे वो टिप जिसके माध्यम से एक बच्चा या फिर बड़ा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शिकार ही ना हो। जी, टिप की हम बात कर रहे हैं, एक बहुत कॉमन चीज थी जो अक्सर इस्तेमाल की जाती थी गर्मियों में, जिसे कि गोंद कतीरा बोला जाता है, जो आज हम यूजेज करना छोड़ चुके हैं। गर्मियां आ रही हैं आगे, कोशिश कीजिए कि बच्चे बड़े सब गोंद कतीरे का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि वो सन की एक्सेसिव हीट से बच सकें और इस प्रकार के रोगों से बच सकें। जी, फिलहाल दर्शकों वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर नवदीप का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त होती है। नमस्कार। नमस्कार।